अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुसद्दिक बशीर। टेक्निकल मूसा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से देखा होगा, आज के टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे डोमिसाइल अप्लाई करेंगे एक मैरिड वुमेन के लिए। गाइस, मैरिड वुमेन के लिए डोमिसाइल अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एक अनमैरिड वुमेन या गर्ल के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से दिखाऊंगा एक मैरिड वुमन के लिए डोमिसाइल कैसे अप्लाई करते हैं। सो गाइस, इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए आए हुए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। सो गाइस, डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस पेज पर आना पड़ता है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स को फिलअप करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता हम इस पेज पे कैसे आएंगे, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया है डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे कैसे आना है और इन डिटेल्स को कैसे फिलअप कर देना होगा। सो गाइस, ऊपर आपको आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप कर देनी होगी। डिटेल्स को फिलअप करने के बाद एक मैरिड वुमेन के लिए थोड़ी सी डिटेल्स एक्स्ट्रा फिलअप कर देनी होगी, जो कि यहाँ पे नेम ऑफ स्पाउस होता है। नेम ऑफ स्पाउस में आपको हस्बैंड का नेम लिख देना है। एक गर्ल की अगर शादी हुई होगी तो यहाँ पे आप लोगों को उसके हस्बैंड का नेम लिख देना होगा। गाइस, हस्बैंड का नेम फिलअप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो आधार नंबर है, आधार कार्ड आपको वही देना है जहाँ पे उसकी शादी हुई होगी, उस आधार कार्ड पे उसी का एड्रेस होना चाहिए। अगर किसी गर्ल की शादी श्रीनगर में हुई होगी, उसका आधार कार्ड श्रीनगर का होना चाहिए। उसके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे उस गर्ल की या उस वुमेन की शादी हुई होगी। तो गाइस, यहाँ पे आपको वो आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद आपको नीचे आना है। तो गाइस, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी होगी। अगर उसके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है या कोई भी डॉक्यूमेंट इनमें से है, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, PRC है, तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर देना है। उसके बाद नीचे आना है। तो गाइस, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ अलग हमें कर देना है। हमें यहाँ पे कैम स्कैनर या अडॉप्ट स्कैनर की मदद से PRC और आधार कार्ड को अटैच कर देना होगा। यहाँ पे हमें ID प्रूफ रखना पड़ता है आधार कार्ड का। तो गाइस, जो आधार कार्ड मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है उसी आधार कार्ड को लिंक कर देना है PRC अडॉप्ट स्कैन या कैम स्कैनर की हेल्प से। उन दोनों पिक्चर्स को PDF में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे ये PDF फाइल भी सपोर्ट करता है। आपको चूज फाइल पर क्लिक करके PRC और आधार कार्ड को एक साथ अपलोड कर देना होगा। तो गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशंस मांगता है, यहाँ पे सिंपल इस पे चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपको प्रीव्यू में जाना है और सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप एक मैरिड वुमेन के लिए डोमिसाइल अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों को समझ में आया होगा हम कैसे एक मैरिड वुमेन के लिए डोमिसाइल अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार नए आए हो, जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले और नेक्स्ट सेटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।